मैं तुहाडा दोस्त मनु मोड़ ते जिहदे कोल हर प्रॉब्लम दा तोड़। दोस्तों जे तुहाडी भी कोई प्रॉब्लम है तां वीडियो विच कमेंट कर दो, मैं नैक्सट वीडियो तुहाडी उस प्रॉब्लम नूं लैके वीडियो अपलोड कर दें अपने चैनल ते। बाकी आई नो कमेंट तुसीं कर ही दोगे। बाकी इह गल नूं छड्ड के हुण आपां अज दी रिक्रूटमेंट ते आउंदे आ। तां दोस्तों इह लुधियाणा डिस्ट्रिक्ट दी ऑफिशियल वैबसाइट है ते इत्थे आपां नूं इक नोटिस दा ऑप्शन मिल जांदा है ते इस तों बाद आपां रिक्रूटमेंट ते आपां क्लिक ऑलरेडी कर लिया तां इस तरह दा पेज जिहड़ा आपणे सामणे ओपन हो जांदा है। जो आप पीडीएफ फाइल से आप क्लिक कर लें इतने तुम चैक कर सकते हो, इसे आप जिम्मे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का पीडीएफ फाइल अपने सामने ओपन हो जाएगा। तो सब तो पहले आप पोस्टों के नाम चैक कर लें। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट उम्र इसलिए 21 से 40 साल के बीचकार का कैंडीडेट पोस्ट में अपलाई कर सकता है। टोटल पोस्ट 3 ने, एक ESMX सर्विसमैन जनरल वास्ते है, तो हैंडीकैप्ड जनरल वास्ते एक पोस्ट है, तो जनरल वास्ते एक पोस्ट है। तो इस विच योग्यता की गल करिए, डिग्री या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मंगया गया, तो सैलरी 15,000 रुपये सैलरी इन्होंने दसी हुई है। डोंट वरी दोस्तों, कवर आना प्लस टू 10th ग्रैजुएशन वास्ते भी इस विच पोस्टा अवेलेबल ने। उस तो पहला जो वीडियो पसंद आती है प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब कर लो, अपना कोई खर्चा नहीं आता सबसक्राइब पर टच कर। सैकेंड गल की करिए, अकाउंटेंट की पोस्ट है दोस्तों, 21 से 40 साल की एज लिमिट होनी चाहिए है। टोटल 4 पोस्टा ने, SC वास्ते जी 3 पोस्ट ने, जनरल कैटेगरी वास्ते 1 पोस्ट है। इस विच MCOM BCOM CA विद मतलब कि 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए है। इस तो बाद बारियां आउंदे कंप्यूटर असिस्टेंट दोस्तों, 21 से 40 साल इसकी एज लिमिट है। टोटल 6 पोस्टा ने, BC वास्ते 1 ने, SC वास्ते 2 पोस्ट ने, हैंडीकैप्ट जनरल वास्ते जी 1 पोस्ट है, तो जनरल वास्ते 2 पोस्टा ने। इस विच क्वालिफिकेशन दोस्तों इन्होंने BCA BSc ते BTech वगैरह ये थोड़ी हाई लेवल की जी क्वालिफिकेशन मंगी गई है, तो सैलरी 11,000 रुपये इन्होंने दसी हुई है। इस तो बाद आप ग्राम रोजगार सहायक की गल करिए, 18 से 35 साल का कैंडीडेट इस पोस्ट में अपलाई कर सकता है। टोटल पोस्टों की गल करिए, 14 ने, BC वास्ते जी 2 पोस्टा ने, एक्समैन सर्विस ने जोड़े उन्होंने वास्ते जनरल कैटेगरी का 1 पोस्ट ने, तो जनरल कैटेगरी के 11 पोस्ट ने। आर्मी पास कैंडीडेट इस पोस्ट में अपलाई कर सकता है, बट नाल डाटा एंट्री की स्किल होनी चाहिए दोस्तों। उन्होंने कोई स्पेसिफिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं मंगे, जस्ट तुम 12वीं पास हो तो इस पोस्ट में अपलाई कर सकते हो, बट नॉलेज तुम्हें कंप्यूटर की होनी चाहिए है। तो सैलरी इतने तुम चेक कर सकते हो, 8,500 रुपये इन्होंने सैलरी दसी हुई है। ओके दोस्तों, जो तुम इस पोस्ट में अपलाई करना चाहते हो तो वीडियो में कमेंट कर दो, मैं नैक्सट पार्ट है इसमें तुम अपने मोबाइल से किमें इस पोस्ट में अपलाई कर सकते हो तो प्रोवाइड करवा देंगे। एंड हाँ, जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है प्लीज़ चैनल में सबसक्राइब करो, थोड़े सपोर्ट की बहुत जरूरत है।